हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस यूनिट का हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला अगर क्वेश्चन हम लोग देखें तो दिया है ए इज अ पेपर विथ रिटन कॉन्टेंट्स, यानी आपके पास एक पेपर है उसमें कुछ कॉन्टेंट लिखे गए हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? तो आंसर है ए डॉक्यूमेंट। ठीक है, कोई आपके पास पेपर है उस पर कुछ कंटेंट या टेक्स्ट वगैरह लिखा गया है, तो इसका मतलब उसको हम लोग बोलेंगे डॉक्यूमेंट, या हम उसको कहेंगे डॉक्यूमेंट, राइट। क्वेश्चन टू, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। ठीक है, जब हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आंसर है डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट को हम लोग तैयार करते हैं, मीन्स कि डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसमें कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, कुछ कॉन्टेंट लिखते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम लोग क्या कर रहे हैं? डॉक्यूमेंटेशन को तैयार कर रहे हैं। क्वेश्चन थ्री, लेटर्स, रिपोर्ट्स, थेसिस, मैन्युस्क्रिप्ट एटसेट्रा आर एग्जांपल ऑफ। ठीक है, जो लेटर्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, ये सारी चीजें किस चीज की एग्जांपल हैं? आंसर है डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? एक तरह से डॉक्यूमेंट्स है। क्वेश्चन फोर है, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर वॉज रिप्लेस्ड बाई मैनुअल टाइपराइटर। क्या ऐसा ही है? इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, ठीक है, रिप्लेस कर दिया गया है मैनुअल टाइपराइटर से, यानी जो मैनुअल टाइपराइटर पहले होता था, लेकिन अब क्या आ गया? इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आ गया। सही है, आंसर यस ट्रू है। फिफ्थ है, ए डेटा एंट्री ऑपरेटर शुड पोजेस स्किल्स। ठीक है, अगर किसी को डेटा एंट्री ऑपरेटर बनना है तो उसके अंदर कौन सी स्किल्स होनी चाहिए? आंसर है बोथ ऑफ द अबव। क्या होनी चाहिए? गुड टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी जो बात है वो है गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑफिस टूल्स लाइक राइटर, कैल्सी एट्सेट्रा, यानी जो एमएस ऑफिस हो गया या राइटर हो गया, ओपन ऑफिस हो गया, इन सारे सॉफ्टवेयर को उसको जानकारी चाहिए, तभी वो डेटा एंट्री ऑपरेटर बन सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन सेवन दिया है कि द टर्म वर्ड प्रोसेसिंग वॉज इन्वेंटेड बाई, जो वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है, टर्म है या वर्ड है, किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? आंसर है IBM। ठीक है, IBM क्या एक कंपनी है, इसने वर्ड प्रोसेसिंग वर्ड को इन्वेंट किया था, आविष्कार किया था। क्वेश्चन एट, ए इज अ कंप्यूटर एप्लीकेशंस यूज्ड फॉर एडिट, फॉर्मेट, स्टोर, रिट्रीव एंड प्रिंट द डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसके यूज करके हम लोग किसी भी चीज को एडिट करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, स्टोर करते हैं, रिट्रीव करते हैं और प्रिंट करते हैं डॉक्यूमेंट को? तो आंसर है वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम लोग एडिट करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को, फॉर्मेट करते हैं, स्टोर करते हैं, रिट्रीव करते हैं और उसको लास्ट में प्रिंट भी करते हैं। क्वेश्चन नाइन हम देखें तो वो है, इन द बिगनिंग वॉज द मोस्ट वाइडली यूज्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, सबसे पहला, यानी सबसे पहले कौन सा ऐसा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था जो सबसे मोस्ट पॉपुलर था और उसका मोस्टली यूज भी होता था? आंसर है वर्ड स्टार। ठीक है, वर्ड स्टार सबसे पहला सॉफ्टवेयर आया था जिससे वर्ड प्रोसेसिंग किया जाता था, मीन्स कि उसमें कुछ डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते थे, कुछ कंटेंट या टेक्स्ट वगैरह लिखे जाते हैं, सबसे पहला सॉफ्टवेयर था वर्ड स्टार। क्वेश्चन 10 की बात करें वो है, इन टाइपराइटर इफ एनी टाइपिंग एरर अकर्स देन, अगर टाइपराइटर में कोई भी एरर आ जाती है, ठीक है, लिखते समय, तो क्या होता है? आंसर है होल सीट इज रिक्वायर्ड टू बी टाइप्ड अगेन, यानी कोई भी गलती हो जाती थी तो इसका मतलब जो भी पूरा सीट है ना, फिर से आपको टाइप करना पड़ता था, क्योंकि ये खराब हो जाती थी, आपको ये फेंकना पड़ता था। क्वेश्चन 11, इट इज नॉट पॉसिबल टू टाइप ऑल द कैरेक्टर्स यूजिंग द टाइपराइटर, क्या हम लोग सारे कैरेक्टर को टाइप नहीं कर सकते हैं टाइपराइटर यूज करके? आंसर है ट्रू। हाँ, सही में सारे जो आप बोल सकते हैं कैरेक्टर्स को हम लोग टाइप नहीं कर सकते एक छोटे से टाइपराइटर से। क्वेश्चन 12, लिमिटेशंस ऑफ टाइपराइटर इज आर, क्या लिमिटेशंस हैं टाइपराइटर के? आंसर है बोथ ऑफ द अबव। क्या क्या है देखते हैं, पहला जो, ठीक है, टाइपराइटर का जो लिमिटेशन है वो है, टाइपराइटर डज नॉट हैव ऑल द रिक्वायर्ड कैरेक्टर्स, जो टाइपराइटर होते हैं उनके पास सारे कैरेक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं किसी भी पेज पर लिखने के लिए। दूसरी जो बात है वो है, इट्स नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट इन द डिजायर्ड फॉर्मेट इन अ टाइपराइटर, डिजायर्ड फॉर्मेट में आप टाइपराइटर में किसी भी डॉक्यूमेंट को टाइप करके, ठीक है, नहीं निकाल सकते हो। क्वेश्चन 13, एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर इज, क्या एडवांटेजेस है इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के? आंसर है बोथ ऑफ द अबव। इट इज पॉसिबल टू मेक चेंजेस इन द कंटेंट, ठीक है, पहली जो है आप उसमें इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर में क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो अगर गलती हो गई है,
एडिट कर सकते हो। दूसरी जो बात है वो है वी कैन मेक मल्टीपल कॉपीज, हम लोग मल्टीपल कॉपीज भी बना सकते हैं इसका विथ माइनर चेंजेस, थोड़े थोड़े चेंजेस करके, ठीक है। क्वेश्चन 14, GUI stands for, GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन 15, WISI WIG means क्या होता है? तो इसका मतलब होता है what you see is what you get। 16, features are provided by popular word processors are, जो फीचर्स है सबसे पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में क्या क्या हैं? तो आंसर है ऑल द अबव। क्या क्या है? पहला है चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर, अगर आप कहीं पे स्पेलिंग्स या ग्रामर गलत लिख रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है वो बता देता है, एक लाइन रेड कलर की लाइन नीचे आ जाती है कि मीन्स कि इसका जो स्पेलिंग है इस वर्ड का वो गलत है, ठीक है। दूसरी जो बात है वो है इंसर्ट पिक्चर्स, आप पिक्चर को भी इंसर्ट कर सकते हो अगर आपको आप चाहते हो ग्राफ विद इन द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में आप पिक्चर या ग्राफ को भी इंसर्ट कर सकते हो। तीसरी जो बात है वो है प्रिंट द सेलेक्टेड टेक्स्ट और सेलेक्टेड पेजेस ऑफ द डॉक्यूमेंट, आप क्या कर सकते हो प्रिंट कर सकते हो, ठीक है, किसको, सेलेक्टेड पेज को और डॉक्यूमेंट को भी। तो ये सारे फायदे हैं पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर के। क्वेश्चन 17 है वर्ड प्रोसेसर इज यूज इन स्कूल फॉर, वर्ड प्रोसेसर का क्या यूज है स्कूल में, यानी ये जो सॉफ्टवेयर है वर्ड प्रोसेसर क्या यूज होता है स्कूल में, आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्या क्या होता है देखते हैं। पहला है प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स, अगर रिपोर्ट्स बनाने हैं बच्चों के तो उसमें वर्ड प्रोसेसर का यूज होता है, मीन्स रिजल्ट वगैरह है रिपोर्ट वगैरह बनाना है। दूसरी जो बात है प्रिपेयरिंग लेटर्स, लेटर्स वगैरह, ठीक है, बनाने में भी इसका यूज होता है स्कूल में। तीसरी बात है प्रिपेयरिंग असाइनमेंट्स, और एक चीज़ और हो सकता है क्वेश्चन पेपर जो होता है ना वो भी यूज होता है वर्ड प्रोसेसर में, ठीक है, मीन्स कि क्वेश्चन पेपर भी वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का यूज करके बनाया जाता है। क्वेश्चन 18 है FOSS stands for, ठीक है, FOSS जो लिखा है इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जो फ्री है और ओपन सोर्स है, मीन्स कोई भी यूज कर सकता है। क्वेश्चन 19 है ODF stands for, ODF का फुल फॉर्म क्या होता है, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, राइट। नेक्स्ट द कंपोनेंट ऑफ लिब्रे ऑफिस आर, ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं लिब्रे ऑफिस की, आंसर है ऑल ऑफ द, क्या क्या होते हैं, राइटर होती है, कैल्सी होती है, इंप्रेस होती है, ओके। क्वेश्चन 21, वेब बेस्ड वर्ड प्रोसेसर आर, ठीक है, कौन कौन से वर्ड प्रोसेसर हैं जो वेब बेस्ड हैं, आंसर है ऑल ऑफ द अबव, कौन कौन से, गूगल डॉक्स वेब बेस्ड है, दूसरा है ऑफिस 365 वर्ड एंड थर्ड है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव वर्ड, ठीक है, वर्ड, ये सब क्या है, वेब बेस्ड वर्ड प्रोसेसर हैं। क्वेश्चन 22, डबल क्लिक मीन्स टू क्लिक द राइट माउस बटन ट्विस्ट क्विकली, क्या डबल क्लिक का मतलब होता है कि हम लोग माउस के राइट बटन को दो बार मतलब क्लिक करते हैं लगातार, तो आंसर है फॉल्स, नहीं। क्वेश्चन 23, टू स्टार्ट लिब्रे ऑफिस राइटर इन विंडोज, अगर हमें लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है, विंडोज में ओपन करना हो तो हमें किस तरह करेंगे, तो आंसर है वो था अबव, यानी दोनों तरीके से कर सकते हैं, मीन्स कि हमारे पास दो तरीके हैं, पहला तरीका वो है ओपन करने के लिए लिब्रे ऑफिस, वो है डबल क्लिक लिब्रे ऑफिस राइटर शॉर्टकट अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप, अगर डेस्कटॉप पे, ठीक है, आइकन होता है तो उस पर डबल क्लिक कर सकते हो लिब्रे ऑफिस के। दूसरी जो रास्ता है वो है स्टार्ट पर क्लिक करना पड़ेगा, विंडोज बटन पर या विंडो बटन आप प्रेस करिए, इसके बाद से सेलेक्ट करिए लिब्रे ऑफिस, और इसके बाद से वहां से लिब्रे ऑफिस ऑफिस दिख रहा है तो वहां पे आप क्लिक करके ओपन कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन 24, टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट, अगर आपको नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है लिब्रे ऑफिस में तो किस तरह से करोगे आप, आंसर है बहुत आप दबाव, दो तरीके हैं इसके भी, पहला जो तरीका वो है कंट्रोल प्लस एन, अगर कीबोर्ड से आप डायरेक्टली प्रेस करते हो, ये शॉर्टकट बटन है, आपका नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। दूसरा जो तरीका है वो है क्लिक ऑन फाइल मेनू, आप फाइल मेनू पे क्लिक करोगे और उस फाइल मेनू के अंदर में एक न्यू, ठीक है, ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन पे क्लिक करोगे और इसके बाद से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो आपका जो नया, ठीक है, डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो जाएगा लिब्रे ऑफिस में। क्वेश्चन 25, इन राइटर बाय डिफॉल्ट द फर्स्ट फाइल इज सेव्ड इन फॉर्मेट, ठीक है, यानी राइटर में मीन्स जो सॉफ्टवेयर है हम बोल सकते हैं ओपन ऑफिस या लिब्रे ऑफिस है, जो राइटर सॉफ्टवेयर है बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेट होता है सेव होने का किसी फाइल को, तो वो क्या फॉर्मेट होता है, आंसर है क्या होता है, .odt नाम से ऑलरेडी सेव होते हैं या इसका एक्सटेंशन है .odt। क्वेश्चन 26, वी कैन सेव द फाइल विथ अनदर नेम यूजिंग ऑप्शंस, ठीक है, हम लोग कौन सा ऑप्शन यूज करके
किसी एक फाइल को दूसरे फाइल, ठीक है, किसी एक फाइल के नाम से किसी दूसरे फाइल को हम सेव कर सकते हैं, ठीक है। आंसर है सेव एज ऑप्शन का यूज करके। 27, टू क्लोज द फाइल सेलेक्ट, अगर हम फाइल को क्लोज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, आंसर है फाइल पे जाएंगे और क्लोज पे कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन 28, टू ओपन एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल प्रेस फ्रॉम कीबोर्ड, ठीक है, अगर हमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे कंप्यूटर में वो फाइल हो तो हम किस तरह से डायरेक्टली उसको ओपन कर सकते हैं, तो आंसर है कंट्रोल प्लस ओ करेंगे तो हमारा जो फाइल है ना वो फाइल का जो फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा और वहां से आप चूज करके ओपन कर सकते हो अपने फाइल को। क्वेश्चन 29, इन लिब्रे ऑफिस राइटर वी कैन सेव डॉक्यूमेंट विद पासवर्ड, क्या लिब्रे ऑफिस ऑफिस में, ठीक है, क्या लिब्रे ऑफिस जो राइटर सॉफ्टवेयर है उसमें हम लोग डॉक्यूमेंट को सेव करते समय पासवर्ड का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये सही है, ठीक है। 30 है, टॉप मोस्ट बार ऑफ राइटर विंडोज, ठीक है, टॉप मोस्ट बार क्या है राइटर विंडो का, वो है टाइटल बार, ठीक है, सबसे ऊपर जो रहता है। क्वेश्चन 31, शोज दैट द टाइटल ऑफ द करेंटली ओपन, क्या हमें दिखाता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर अभी करेंटली ओपन है, टाइटल बार हमें दिखाता है, ठीक है, तो राइट आंसर है बी टाइटल बार। क्वेश्चन 32, इन राइटर द डिफॉल्ट नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट इज, ठीक है, राइटर में डिफॉल्ट नेम क्या होता है किसी भी राइटर का, तो वो है अनटाइटल्ड फर्स्ट, ठीक है, आंसर है सी अनटाइटल्ड फर्स्ट। क्वेश्चन 33, अपीयर्स बिलो द टाइटल बार, ठीक है, क्या टाइटल बार के नीचे क्या हमें दिखता है, वो है मेन्यू बार, ठीक है, राइट आंसर है मेन्यू बार। क्वेश्चन 34, द सब मेन्यू आइटम्स अब मेन्यू बार विच शोज थ्री डॉट्स मीन्स, ठीक है, जो सब मेन्यू होता है जो थ्री डॉट्स दिखाता है उसका मतलब क्या होता है, अ डायलॉग बॉक्स विल ओपन, इसका मतलब है कि एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जब आप उस पर क्लिक करोगे, यानी थ्री डॉट पे। क्वेश्चन 35, द सब मेन्यू आइटम्स ऑफ मेन्यू बार विच शो राइट हैंड साइड एरो मींस, अगर एरो दिखा रहा है मेन्यू में, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये सब मेन्यू विल ओपन, मतलब आप इस पर क्लिक कर दो ना इस एरो पे, तो एक और सब मेन्यू ओपन होगा आपके सामने, इसका मतलब है। 36 है, विच टूल बार शोज आइकन ऑफ कट कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है, कौन सा टूल बार है जो आइकन दिखाता है कट कॉपी पेस्ट का, तो वो है स्टैंडर्ड टूल बार। क्वेश्चन 37, स्टेटस बार इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द राइटर विंडो, ठीक है, जो स्टेटस बार होता है क्या होता है, अगर ये कंप्यूटर है सॉफ्टवेयर आपका ओपन है यहाँ पर, तो सबसे नीचे क्या दिखाता है यहाँ पर, ये जो एरिया है, ठीक है, वो क्या है, स्टेटस बार है, या ये जो एरिया है, ठीक है, ये स्टेटस बार है, राइट। क्वेश्चन 38, विच बार इज यूज टू मूव डॉक्यूमेंट अप एंड डाउन, कौन सा बार यूज किया जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट को अप यानी ऊपर करने के लिए और नीचे करने के लिए, तो आंसर है वर्टिकल स्क्रॉल बार, ठीक है, स्क्रॉल बार के जरिए मीन्स आप कोई भी ओपन करो तो यहाँ क्या होता है स्क्रॉल बार होता है, तो इसको खींचते हो ना तो क्या होता है आपकी जो डॉक्यूमेंट होती है इसमें वो क्या होती है मूव करती है। क्वेश्चन 39, फ्रॉम विच मेन्यू यू कैन सेलेक्ट वेरियस टूल बार्स, किस मेन्यू से आप डिफरेंट तरह के टूल बार्स को सेलेक्ट कर सकते हो, तो वो है व्यू मेन्यू। क्वेश्चन 40, जूम स्लाइडर इज अवेलेबल ऑन, किस बार में जूम स्लाइडर अवेलेबल होता है, आंसर है स्टेटस, ठीक है, स्टेटस बार में। क्वेश्चन 41, स्टेटस बार शोस, स्टेटस बार हमें क्या दिखाता है, ऑल ऑफ द, क्या दिखाता है हमें, पेज नंबर दिखाता है, पेज स्टाइल दिखाता है और जूम स्लाइडर भी दिखाता है। क्वेश्चन 42, टूलबार कंटेंस द वेरियस ऑप्शंस फॉर फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट, टूलबार हमें क्या दिखाता है, कौन सा टूलबार है जो हमें डिफरेंट तरह का फॉर्मेटिंग ऑप्शन दिखाता है डॉक्यूमेंट के लिए, वो है आंसर है फॉर्मेटिंग। क्वेश्चन 43, व्हेन यू ब्रिंग द माउस पॉइंटर ऑन एनी टूल, अब जब अपना माउस पॉइंटर जो होता है ना, किस तरह होता है माउस पॉइंटर, इस तरह होता है ना, माउस पॉइंटर को लाते हो, कहाँ लाते हो, किसी टूल के ऊपर, एंड सी द मीनिंग ऑफ द टूल इज कॉल्ड, उस पर क्या होता है वो एक मेन्यू दिखता है मीन्स कि उसके ऊपर एक नाम दिखता है जिस भी आइकन के ऊपर आप ले जाते हो, तो उसको हम बोलते हैं नॉन अदर, मतलब इसमें कोई है ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन 44, द टेक्स्ट कर्सर इज अ फ्लैशिंग वर्टिकल लाइन इन द बॉडी ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, क्या होता है इसमें जो टेक्स्ट कर्सर होता है ना, इस तरह होता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, ब्लिंक करते रहता है, ठीक है, तो जो ब्लिंक करता रहता है उसको बोलते हैं टेक्स्ट कर्सर। 45, कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ टेक्स्ट कर्सर इन अ डॉक्यूमेंट, कौन कंट्रोल करता है मूवमेंट को, किसका मूवमेंट, टेक्स्ट कर्सर का, ठीक है, तो आंसर है एरो की। क्वेश्चन 46, विच ऑफ द फॉलोइंग की कैन मूव द टेक्स्ट कर्सर,
यानी इनमें से कौन से की है जो कि टेक्स्ट कर्सर को मूव कर सकता है। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्या क्या है? एरो की है, होम की है और इंड की है। ठीक है, अगर आप इसको प्रेस करते हो तो आपका जो कर्सर की है ना वो मूव कर जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। 47, विच ऑफ द फॉलोइंग की मूव द टेक्स्ट कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। कौन से ऐसा की हम प्रेस करेंगे जो हमारा, अगर हम यहाँ से लिख रहे हैं तो हम यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे, तो वो है होम की। ठीक है, क्वेश्चन 48, विच ऑफ द फॉलोइंग की मूव द टेक्स्ट कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन। कौन से ऐसे की हम लोग प्रेस करेंगे, अगर हम क्या करेंगे प्रेस करेंगे जो लिख रहे हैं हम लोग तुरंत एंड पे पहुंच जाएंगे, मतलब लास्ट में पहुंच जाएंगे, तो वो है एंड की। ठीक है, क्वेश्चन 49, विच ऑफ द फॉलोइंग की कॉम्बिनेशन मूव टू टेक्स्ट कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। कौन सा कॉम्बिनेशन की हम लोग प्रेस करेंगे जो हम लोग एंड में पहुंच जाएंगे किसी भी टेक्स्ट के डॉक्यूमेंट में। तो आंसर है कंट्रोल प्लस एंड को प्रेस करना पड़ेगा हमें। क्वेश्चन 50, विच ऑफ द फॉलोइंग की कॉम्बिनेशंस मूव द टेक्स्ट कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर हमें बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट पहुंचना हो किसी कर्सर के थ्रू, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस होम हमें प्रेस करना पड़ेगा। ओके, सो आई होप आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।